राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन कैसे करवाएंगे, इसकी डिटेल्स यहाँ पे जो है बताई गई हैं। अब जो है नई प्रक्रिया के माध्यम से जो है आपको जमाबंदी को डिजिटलाइज ऑनलाइन कराने होंगे, वो आप घर बैठे अपने मोबाइल डेस्कटॉप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप जो है अपने जमाबंदी को ऑनलाइन जो है अप्लाई करेंगे, उसको डिजिटलाइज आप करेंगे। इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल में टाइप करना होगा bihar.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आपको जाना होगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे परिमार्जन प्लस पे जो है आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपको मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा। अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू यूजर पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद परिमार्जन प्लस पे जो है आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रकार यथा कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन को आपको ऑप्शन को जो है चूज करना होगा। जैसे ही आप चूज करेंगे उस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे नया इंटरफेस ओपन होगा। उसमें आपको जिला अंचल चूज करना होगा। उसके बाद प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको हल्का मौजा नंबर प्रिपेयर एप्लीकेशन पे जो है आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो है अब आपको अपनी जमाबंदी से संबंधित जो विवरण जो है जैसे जमाबंदी नंबर, रैयत का नाम, प्लॉट का विवरण, लगान संबंधित जो विवरण है वो आपको भरना होगा और ऑनलाइन किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज को भी जो है आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आवेदन के पहले भाग में जो है जमाबंदी नंबर डालना होगा, होल्डिंग नंबर डालना होगा, वैल्यूम नंबर डालना होगा, पेज नंबर में जो विवरण ज्ञात हो उसको भरकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात जो है रैयत का विवरण आपको डालना होगा, प्लॉट विवरण डालना होगा, लगान विवरण के सभी अनिवार्य सूचना अंकित करके नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अंतिम भाग में आवेदक को विभिन्न साक्ष को अलग अलग पीडीएफ अपलोड करना होगा। पीडीएफ अपलोड करने के बाद आप अब जो भी फॉर्म को फिल किए हैं उसकी प्रीव्यू को जो है आप देख सकते हैं कि जो सारी डिटेल्स हमने फिल की हैं वो सही है कि नहीं। सही होने के बाद जो है आपको जो है आपके द्वारा भरा गया आवेदन का विवरण आपको दिखाई देगा। सब कुछ सही होने पर फाइनल सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको एक प्राप्ति रसीद मिलेगा जिसको आप भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आवेदन में त्रुटि होने पर एडिट बटन पे क्लिक करके उसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटलाइज कर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस जो है आपको ये पूरा दी गई है। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल भारतीय चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए चैनल पर, अगर पहली बार भेज के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और वो भी जो है छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटलाइज करने के प्रोसेस जो है वो घर बैठे ऑनलाइन से कर पाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।